यूँ पकड़ूंगा जिससे टूटे ना, इसको यूँ ग्रोथ करो। ये देखिए अब इसकी जड़ें, देखिए कितनी बड़ी जड़ें। नमस्कार दोस्तों, जो हमारा इनिशिएटिव है हर छत ऑर्गेनिक, हर घर ऑर्गेनिक, उसका मैं तीसरा एपिसोड आपको दिखा रहा हूँ। उस पर मैं आपको बताऊँगा जो सर्दियों के बाद जो गर्मियों के लिए जो बेल वर्गीय सब्जियाँ लगाई जाती है उसके लिए ग्रो बैग कैसे तैयार किया जा सकता है, और सबसे बेस्ट कौन सा ग्रो बैग रहेगा और उसको कैसे तैयार किया जाता है उसके बारे में बताऊँगा। आज शिवरात्रि का दिन है तो लोग कहते हैं कि अगर शिवरात्रि के दिन बेल वर्गीय सब्जियाँ अगर लगाई जाती है तो शुभ मानी जाती है और अच्छी ग्रोथ रहती है। तो आज शिवरात्रि के दिन से मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूँ। तो मैं आज आपको ग्रो बैग भरना भी बताऊँगा, उस पर क्या क्या चीज़ें डाली जाती है और उस पर बेल भी लगाएंगे, कैसे वो आगे ग्रोथ करेंगे उसका हम डिटेल आपको बता देंगे। तो वैसे तो जो बेल वर्गीय सब्जियाँ हैं कोशिश ये होनी चाहिए उस पर कि 18 इंच बाई 18 इंच की ग्रो बैग में लगाई जाए। लेकिन जैसे लौकी है, तोरी है और हमारा कद्दू है, उसके लिए हमको कोशिश ये करनी चाहिए अगर हम उपलब्ध कर सके तो ये 24 इंच बाई 24 इंच का ग्रो बैग। आप देख सकते हैं ये कितना बढ़िया ग्रो बैग है मैंने मंगाया है, और इसमें साइड में होल भी है बने हुए, आप देख सकते हैं इसमें होल बने हुए हैं। अब ये पूरा आपको ग्रो बैग दिखा सकता हूँ, ये इस टाइप का है। तो इस पे क्या है, मिट्टी भी बढ़िया आएगी। और इसको कैसे हल्का बना सकते हैं, क्योंकि हैवी भी नहीं बनाना हमने मिट्टी। आप सोचते होंगे मिट्टी लानी पड़ेगी, बहुत सारा वो करना पड़ा, ऐसा नहीं है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें मिला के ये हम इसको भर सकते हैं। तो जैसे हम अपना ग्रो बैग बनाएंगे उसको हल्का कैसे बना सकते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ जो मेरे टेरेस गार्डन में जो मेरी ऑर्गेनिक सब्जियां मैंने अभी सर्दियों में लगाई थी उसी में से कुछ पत्ते, जैसे गो आपको दिखा हुआ गोभी के पत्ते हैं, ये गोभी के पत्ते हैं और अन्य कई तरह के जो हम बीच बीच में हम इकट्ठे करते रहते, ये गोभी के पत्ते हो गए और ये दूसरे जैसे मटर के पत्ते सब, ये इस टाइप के पत्ते, ये सब हमारा छत अपने छत से ही निकला हुआ ये घास है पत्ते हैं। तो इसको डालेंगे, ये अभी डालेंगे अगले इस पर सड़ भी जाएंगे जब तक इसका ग्रोथ होती 3-4 महीने में, ये खाद का काम भी करेंगे। तो ये भी डालेंगे हम लोग सब इस पर, और उसके बाद हम जो हम ये गोबर होता है जो आप कहीं भी डेयरी होती है डेयरी फार्म से आसपास से आप ला सकते हैं, ये दो तीन साल पुराना गोबर की खाद है आप देख सकते हैं, और ये भी डालेंगे हम इसमें। और हल्का करने के लिए ये चावल की भूसी है, ये देखिए इसका भी बहुत अच्छा रोल रहता है, वाटर होल्डिंग भी बढ़िया रहती है और जब सड़ जाती है तो इसके बहुत अच्छा खाद काम भी करती है। और ये हमारा आपको क्लोज से दिखा दूँ मैं, ये हमारा जो है कोकोपीट है, कोकोपीट भी हम इस पर डालेंगे जिससे भी हल्का भीपन भी रहेगा और उस पर जड़ जो होती है बेल वाली सब्जियों की वो बढ़िया से फैलती है। और हम लगभग इस पूरे ग्रो बैग में 1 किलो के आसपास नीम खली भी डालेंगे, उससे क्या होता फंगस वाली समस्या हमारी खत्म हो जाएगी। और हमारे पास मिट्टी है, मिट्टी देखिए आप, मिट्टी सिर्फ हम बहुत कम मिट्टी का यूज़ करेंगे, देखिए मिट्टी ये आप ये मिट्टी भी जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये भी मैंने बाहर से नहीं लाई है, जो हमारे ग्रो बैग जो हम चेंज करते रहते हैं उसमें हम गोबर डालते हैं, गोबर डालने के बाद उस पर जो मिट्टी बच जाती है उसी को हमने बचा रखा है, बाहर से मैंने कुछ भी नहीं लाया है इसमें, हम अपने छत से ही ये मिट्टी मैंने जो पिछली बार ग्रो बैग भरे थे उसमें कुछ मिट्टी बच गई थी क्योंकि उसकी जगह गोबर डाल दिया था, तो उसमें से जो मिट्टी बची थी वो मैं इसमें यूज कर रहा हूँ। अब हम इस पे ये मिट्टी डाल दी हमने, इसका मिक्सर बनाएंगे, इस पे हम डालेंगे 3 कट्टे गोबर के डालेंगे और 2 कट्टे गोबर के डालेंगे, 3 कट्टे मिट्टी के डालेंगे। ये मिट्टी है, ये हमारे 3 कट्टे मिट्टी आ गया, हमने 1 कट्टा गोबर का पहले ही डाल दिया था, 1 कट्टा हम गोबर का और डालेंगे, ये हमारा 1 कट्टा गोबर का और हो गया, ये हमारा पूरा गोबर फूटेगा। ये हमारा
दो कट्टे गोबर के डाल दिए और तीन कट्टे हमने मिट्टी के डाल दिए। अब इसको हल्का सा पहले मिक्स कर रहे हैं ये, और इसमें ही अब हम डालेंगे ये हल्का करने के लिए इतना, हम इसमें लगभग 10% रेशो रहेगा इसका भूसा और ये कोको बीट। अब इसको हल्का सा मिलाएंगे, अब हमने इसमें मिक्स कर दिया है मिट्टी और गोबर और चावल की भूसी और हमारा जो होता है कोको पिट, ये हमने मिक्स कर दिया है। रेशो था 50 40 और 10%, ये हमारा रेडी हो चुका है। अब हमारा ग्रो बैग जो है आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा ग्रो बैग है, ये देखिए आप इतना बड़ा। तो उसमें हम क्या करेंगे जो हल्का हो जाए, क्योंकि काफ़ी बड़ा ग्रो बैग है, तो हल्का करने के लिए सबसे पहले हम इसमें जो मेरे खेत में जो हमारे यहाँ पर ये पत्ते थे, सबसे पहले हम नीचे इन पत्तों को डालेंगे। काफी सड़ भी गए हैं, सड़ जाएंगे नीचे। इससे हमने इसको, केले के पत्ते भी है, कई तरह के पत्ते, ये सब इसमें नीचे भर दिए, अभी और भरेंगे इसमें। सारे घास जो हमारा इसमें किचन गार्डन का ही है, इसको हमने इसमें भर दिया। अब हम इसमें जो तैयार की हुई मिट्टी है उसको डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे नीम खली 1 किलो ऊपर से, और इसलिए डालेंगे कि इसमें को क्या कहते हैं जो हमारा फंगल की वो है ग्रोथ वो नहीं हो पाएगी, इसलिए इसमें हम डालेंगे नीम खली। अब हमारा पूरा ग्रो बैग रेडी हो गया। पौधे लगाने के लिए मिट्टी हमने इतनी भर रखी है, लेकिन नीचे हमने पत्ते भी डाल रखे, तो बाद में ये काफी नीचे तक आ जाएगा, लेकिन तब भी सफिशियंट मिट्टी रहेगी हमारी, तभी हमारी मिट्टी सफिशियंट ही रहेगी इसमें। अब हम बताएंगे आपको इसमें पौधे कैसे लगाएंगे। ये हमने जो पौधे तैयार किए, सबसे पहले मैंने इस पर इनके सीडलिंग लगाए थे, इस टाइप के थे, मैंने फेंक दिए हैं। इस पर हमने इसके सीड तैयार किए थे, ये इस पर सीड जब ग्रो करे उसके बाद मैंने इस पर इसको ट्रांसफ़र कर दिया था। ये हमारे लौकी के पौधे हैं। अब इसी तरह से मैंने और भी पौधे लगा रखे, लौकी के पौधे। अब इसमें हमने जो ग्रो बैग मैंने तैयार किया 24x24, 3 प्लांट इसमें
आज लगाऊंगा, मैं इन तीनों पौधों को प्लांट करूंगा इसमें, इसको प्लांट करेंगे क्योंकि बड़ा ग्रुप है इसमें प्लांट करूँगा। सबसे पहले तो मैं एक पौधा यहाँ प्लांट करूँगा, इसकी मिट्टी हटाएंगे पहले, सबसे पहले इस टाइम, क्योंकि जो अंदर इसकी मिट्टी है वो इसके अंदर पूरा चले जाएगा, इससे ऐसे करूँगा मैं इसको निकाल। अब ये प्लांट है, अब मैं इसको यूँ पकड़ूँगा जिसे टूटे नहीं, इसको यूँ ग्रोथ करो। ये देखिए अब इसकी जड़ें, देखिए कितनी बड़े जड़ें ग्रोथ कर रही है इसी की जड़ें। ये अब मैं इसको सीधा करके इस पर इसको इम्पोज करूँगा ये एज इट, और फिर इसको मैं ऊपर से यूँ कर, ये देखिए एक पौधा मैं यहाँ लगाऊंगा, इसको मैं इसी तरह से करूँगा हल्का सा, ये मैंने पकड़ा और ये खोला, कोकोपीट डाला हुआ था इसमें, इसलिए जड़ देखिए आप कितनी बढ़िया हो रही है। अब इसको मैं यहाँ सीधे से इसको ऐसे सेट कर दूंगा, पत्थर ना हो, गोबर ही। अब ये भी हमारा यहाँ एज इट सेट हो गया। अब एक मैं ये मिट्टी में इधर ही ला दूंगा, अब एक मैं यहाँ सेट करूंगा इसको। इसमें तीन पौधे बहुत इजीली आ जाएंगे, सारा इस सेटअप हो गया। ये तीन हमारे लग गए हैं, अब इसमें पानी आज डालेंगे हल्का हल्का, पानी का बौछार करेंगे, वैसे ऑलरेडी नमी है इसमें लेकिन थोड़ा बहुत पानी हम इसमें अभी डालेंगे। ओके, थैंक यू।